उन्हें दिखाना पड़ेगा कि बाप कौन है। सिद्धार्थ आनंद की फिल्म फाइटर का ट्रेलर आ चुका है और ऋतिक रोशन ने एक बार फिर से अपनी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस से ये बता दिया है कि एरोगेंट कॉन्फिडेंट। जी हाँ, ऑल्दो इस फिल्म के टीजर को देख के मुझे लगा था कि सिद्धार्थ आनंद फिर से हमें पठान जैसी फिल्म देके डिसअपॉइंट करेंगे, बट आज इसके ट्रेलर रिलीज होने के बाद इन्होंने मेरा पूरा माइंड कम्प्लीटली फ्लिप कर दिया है। तो चलिए इसके ट्रेलर को रिव्यू करते हैं और आप इस फिल्म से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो जानते हैं। चलो तुम्हें जम्मू घुमाती हूँ। क्यों, तुम्हारा एक्स यहाँ से था? नहीं, पर शायद नेक्स्ट यहाँ से हो। हाय एवरीवन, आई एम प्रिशा और आप देख रहे हैं अनकट। हम बीओके एंटर कर रहे हैं, मिशन इज अ गो। फाइटर का ट्रेलर देख के ये साफ हो चुका है कि इस फिल्म में भर भर के नेशनलिज्म होने वाला है और इसका प्लॉट पुलवामा अटैक पे बेस्ड होगा। फिल्म में वो सब देखने को मिलेगा जो भारत के लोगों को सबसे ज्यादा देखना पसंद है, और वो है पाकिस्तान के टेररिज्म पर जोक्स और उनकी सॉलिड धुलाई। इस फिल्म में ऋतिक और दीपिका के अलावा आपको अनिल कपूर, बिपाशा बसु के पति करण सिंह ग्रोवर, ओटीटी एक्टर अक्षय ओबेरॉय और तलात अजीज भी दिखेंगे। और क्योंकि ये फिल्म देश की लड़ाई के बारे में है, इसमें आपका इमोशनल होना और एक सोल्जर को शहीद होते देखना तय है। ट्रेलर के कई पार्ट्स में ऋतिक को रोते दिखाया गया है जहां वो देश के लिए जान सैक्रिफाइस करने की बात कर रहे हैं। हीरों में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कहीं। ये मेरी टीम है सर और उन्हें मेरी जरूरत है। साथ ही एक सीन में ऋतिक रोशन एक टेररिस्ट का कश्मीर के मुद्दे को लेकर मुंह तोड़ते दिख रहे हैं। मुझे तो ट्रेलर देख के ही गूजबम्स आ गए और इसे थिएटर में देखना कितना थ्रिलिंग होगा वो तो 25 जनवरी को ही पता चलेगा। लास्ट ईयर इसी दिन पठान भी रिलीज हुई थी और जहां उस फिल्म के गाने ने सबको एंटरटेन किया था, फिल्म ऑन स्क्रीन अपना वो कमाल नहीं दिखा पाई थी। खैर, अब जो हो गया उस पे फोकस ना करके फाइटर पे ही फोकस करते हैं। फिल्म में दीपिका और ऋतिक का लव एंगल बहुत क्लियरली दिखाया गया है एंड आई जस्ट होप कि इनके बीच कोई चीजी डायलॉग्स ना हो, क्योंकि ये दोनों ही एक्टर्स एज इंडिविजुअल्स बहुत हॉट और हैपनिंग है। ट्रेलर में तो इनकी केमिस्ट्री बढ़िया दिख रही है, दोनों ही एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स में बहुत स्टनिंग लग रहे हैं। What the hell? Caught you, Mini. Arrogant. Confident. सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने हमें 2010 के एरा में हम तुम, सलाम नमस्ते, तारा रमपम, बचना है हसीनों जैसी फिल्म्स देके हमारा बचपन यादगार बनाया है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि ये नेशनलिज्म और एक ड्रामेडी को कैसे बैलेंस करेंगे। विशाल शेखर का म्यूजिक कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में बज रहा था इस ट्रेलर के और भाई साहब, इसके कुछ पार्ट सुनकर ही ना मजा आ गया। बॉम्ब ब्लास्ट, 26/11 और अब पुलवामा। इसलिए ये ट्रेलर देखकर मैं बस एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, भारतवासियों तैयार हो जाओ स्टैंडिंग ओवेशन के लिए। पिछले 50 सालों में किसी सरकार ने उनकी इन हरकतों का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। इस फिल्म के डायलॉग्स भी इस फिल्म के ट्रेलर की तरह धांसू हैं और हर एक्टर की डायलॉग डिलीवरी इज ऑन पॉइंट। ईंट का जवाब पत्थर से देने आए हो? नहीं, धोखे का जवाब। इस ट्रेलर से मेरी प्रेडिक्शन यही है कि ये फिल्म एक पूरा पैकेज होने वाला है, एक्शन, ड्रामा, थ्रिल, 30% रोमांस और हल्के फुल्के सरकास्टिक जोक्स का। और अगर पैकेज ऐसा हो तो हॉल में सीटियां बजना तो बनता है। तो जैसे टेररिस्ट की वजह से अगर हम बदतमीजी पे उतर आए तो तुम्हारा हर मोहल्ला आईओपी बन जाएगा। Now I just hope कि ये हमें इतनी expectations जो इस ट्रेलर ने दे दी हैं वो बेकार ना जाए। फिल्म के रिव्यू का इंतजार करना और आपका इस ट्रेलर लॉन्च को लेके क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, then do subscribe to Uncut.